पुलवामा में हुआ आतंकी हादसे में शहीद सैनिकों के परिवार की सहायता के लिए चंदा उगाता पुलिसकर्मी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार के लिए आर्थिक मदद के लिए एक पुलिसकर्मी ने दान पेटी गले में टांग कर लोगों से सहायता की मांग करते हुए आर्थिक सहयोग की गुहार लगाई है। पुष्कर, आप कहाँ पोस्टेड हैं? थाना अजीमनगर रामपुर में जी। अच्छा, ये बताइए, आप ये क्या कहते हैं चंदा मांग रहे हैं, मतलब किस लिए चंदा मांग रहे हैं? जो पुलवामा में हमारे जो सैनिक जो जवान थे वो जगह में शहीद हो गए हैं, उनके परिवार के लिए मैं चंदा इकट्ठा करना स्वेच्छा से और उसके लिए मैं क्या कहना परमिशन लिया हूँ। साहब ने मुझे परमिशन दिया है 3 दिन की। अच्छा, 3 दिन के लिए आपको परमिशन दी है जी। तो आप 3 दिन तक चंदा इकट्ठा करेंगे जी। फिर इस पैसे का क्या करेंगे? जो उनके परिवार जन हैं उन तक पहुँचाने के लिए जैसे भी होगा उनको पहुँचाया जाएगा। अच्छा, ये जो पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ इसको कैसे क्या दे देते हैं, इस पर क्या राजनीति हो रही है, क्या हो रही है? राजनीति करना तो बेकार है। ये तो जो हमारे देश के जवान थे वो शहीद हो गए, ठीक है, उनकी जो है भरपाई तो खैर कोई नहीं कर पाएगा, जो भी है उनका सहयोग करें। इसे पुलिस विभाग का रामपुर के कप्तान जो है, रामपुर के और पुलिस मतलब जो कर्मी, उनका सहयोग मिला है आपको? पूर्ण रूप से उन लोगों का सहयोग मिला है और उनके सहयोग मिला है तो जब तो मैं ये जो 3 दिन की परमिशन मिली है उनके लिए चंदा इकट्ठा कर पा रहा हूँ। उनका सहयोग नहीं मिलता तो मैं नहीं कर पाता। किस किन लोगों से आप चंदा ले रहे हैं? पुलिस के साथ साथ जो आम जन है उन लोगों का बहुत प्यार मिल गया है, खासकर रामपुर वासियों का, जो पूर्ण रूप से सहयोग करना है सब लोग।